सो जजेस, ये और इसमें कौन सा बेटर? मेरे हिसाब से तो ये वाला जो है इज अ फेल. आपका वाला इज डेफिनेटली अ पास. सो इट डेफिनेटली अ पास फॉर मी टू. चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है. बट नेक्स्ट रेसिपी क्या बना रहे हैं? चीजी लज़ान्या. ओके, लज़ान्या फुल ऑफ चीज. बट यू नो द रूल, 30% हेल्दियर. देखते हैं क्या चीज है ये. दिस इज लाइक अ मिशन. आई डू माय बेस्ट. सारांश ने अच्छी शुरुआत की है, पर अगली डिश है एक इम्पॉसिबल टास्क. मैदे की शीट्स और बहुत सारे चीज के बिना लज़ानिया को टेस्टी बनाना होगा एक चैलेंज. ये रिस्क बहुत भारी पड़ सकता है. ये क्वेश्चन तो मैं भी अपने आप से पूछ रहा हूँ. मैंने बोल तो दिया जोश जोश में आके कि मैं चीज वाला लज़ानिया हेल्दी बना दूंगा. उसमें मैदे की शीट जाती है, वो तो मैंने सोचा ही नहीं था. अब चक्कर यह है कि मैदे की शीट को रिप्लेस करना पड़ेगा आटे की शीट से. वो बनेगी नहीं बनेगी पता चल जाएगा अगले 3 मिनट में. लीजिए डो तैयार. अब ये 1.5 मिनट इसमें रहेगी, बाहर निकालेंगे, लज़ान्या बनाएंगे. हमारी लज़ान्या की शीट हो गई तैयार. इसी तरीके से मैं खूब सारी लज़ान्या शीट्स तैयार कर लूंगा. तो जी मैं यूज कर रहा हूं पास्ता सॉस, लीजिए. थर्ड लेयर की तैयारी कर लेते हैं. एक लेयर तैयार, दूसरी तैयार, तीसरी की बारी. इसमें पहले ब्रोकली डालेंगे, उसके बाद व्हाइट सॉस. शेफ ने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से 3 लेयर तो तैयार कर लिए हैं, पर टेस्ट का क्या? जितना आइस को प्लीजिंग होगा उतना टेस्टी होगा. देखिए जी, व्हाइट सॉस में आता है दूध का स्वाद और चीज का. चीज का मैं जुगाड़ ढूंढूंगा. लीजिए ये भी डन. तो हमारी तीनों बेस तैयार है. बारी आ गई है लज़ान्या बनाने की. तो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है. चीज की जगह पनीर डाल दिया है. देसी एंगल आ गया है इसमें. पनीर इज मच हेल्दियर देन चीज. बट क्या होगा, चीज को बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत चीज भी डालेंगे बट कम मात्रा. अभी सेकंड लेयर लीजिए, ये लेयर आ गई. तो 30 ग्राम चीज अलाउड है मेरे को. इसके बाद लास्ट लेयर आने वाली है लज़ानिया की, और ऊपर से थोड़ी बहुत व्हाइट सॉस. फाइनल गार्निश पनीर और बहुत थोड़ा सा चीज. अब इसको हमें बेक करना है 180°C पे 10 से 12 मिनट के लिए. ये सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ चीज को मेल्ट करना है और इसको इकट्ठा हो जाना चाहिए, एक डिश बन जानी चाहिए. तो डाल देते हैं अवन में. चलिए बॉक्सिंग करेंगे लज़ानिया के साथ. ओ जी, लज़ानिया जो है बॉक्सिंग में जीत गया है, मेरे को तो लग रहा है. वीट फ्लावर शीट्स और बिल्कुल कम चीज वाला लज़ानिया टेस्टी होना काफी मुश्किल लगता है. क्या ये जजेस को इंप्रेस कर पाएंगे? गर्मा गर्म नॉन चीज लज़ानिया, मतलब चीज है बट कम है. आई थिंक पहले जो ओरिजिनल है वो देख लेते कैसा है. और अब देखते हैं सारांश ने क्या किया है. शेफ का होल व्हीट और पनीर वाला लज़ानिया काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. इसे बनाने के लिए उन्होंने एक बोल में होल व्हीट फ्लावर, नमक, तेल और पानी डालकर आटा गूंद लिया.
फिर उसकी शीट्स बनाकर उन्हें पानी में 1 से 1.5 मिनट के लिए उबाल लिया। फिर शेफ ने एक पैन में रेड सॉस में कैरेट्स डालकर पका लिया है और दूसरे पैन में ब्रोकली और व्हाइट सॉस को पका लिया है। लज़ानिया असेंबल करने के लिए शेफ ने बेकिंग डिश में लज़ानिया शीट्स रखकर उस पे थोड़ा व्हाइट सॉस डाला और फिर ऊपर से पनीर ऐड किया। फिर दूसरी शीट रखकर उस पर रेड सॉस डाला और ऊपर से चीज ग्रेट किया है। फिर एक और शीट रखकर ऊपर से व्हाइट सॉस और पनीर से फिनिश किया और ओवन में 180 डिग्रीज पर 10 से 12 मिनट तक पका लिया। He could have cooked it a little more in the oven. I'm not sure if the crust could be possible because he's not obviously added cheese. उसने जो पनीर यूज़ किया है उसमें और जो क्रीमी एलिमेंट जो वहाँ पे ऊपर डाला हुआ है, the lasagna has to have defined layers. So this actually does not have those defined layers. Again, spinach is something which is missing. Which actually, as you mentioned, adds the health quotient, also the fiber part of it. Though he has used vegetables, which are good, even broccoli is good in iron. Oh yes. So, but it's not a quintessential lasagna dish, I think. Two very very important elements he has basically taken care of to up the nutritive value. एक तो wheat के पास lasagna sheets use किए हैं और टोटल चीज़ के बदले में ही हैज़ काइंड ऑफ मेड अ 3/4, 1/4 प्रोपोर्शन ऑफ कॉटेज चीज़ विद चीज़। यार वो लज़ानिया में चीज़ की लेयर देखी, क्रस्ट देखा ओरिजिनल वाले का। होपफुली मेरा वीट बेस्ड सॉसेज और वीट लज़ानिया शीट काम कर जाए यार, मतलब कॉन्फिडेंस तो है बट फिंगर्स आर क्रॉस्ड। एक्चुअली वी आर डिफरिंग ऑन दिस सारांश। It should look like that, it should feel like that, the texture should be the same, which is kind of lost.